तो वहां पर भी ऐसी था, वो लोधे जो ना आ रहे नहीं है, नमाज चालू कर दी। मेन हजरत पुलिस है, तो गवर्नमेंट की छूट थी, बल्कि ये किया है एक तरीके से जाना है, जोश में जाके पुकारा एडवर्टाइज पेपरों में मीडिया में, बोले तो एक काम भी नहीं होता इसका, खाली सेल्फ अपना वाह करने के लिए करने का रहता हूँ, इसलिए मैं मुश्ताक में धरना वरना करने वाले थे। ये आरएमबी से भी जो है परमिशन सेग्रेटेड के मस्जिदों का होगा, 2,90,00,000 रुपए सेंक्शन हुए और वकबोर्ड को भी फैलाई, वकबोर्ड भी 2 दिन में क्लियर करके भिजा दिए। बलाला साहब जो एमआईएम के उन्होंने भी आए, उन्होंने भी प्लान लोए सब ये करके सब अप्रूव करे, और अल्लाह का करम ये है कि सीएम साहब खुद सीरियस लेके आरएमबी को जो है ऑर्डर दिए और आरएमबी से परमिशन होके वकबोर्ड को आया, वकबोर्ड भी परमिशन दे चुका है और पहले 600 कुछ ज़मीन थी, अभी सीएम साहब 1500 तक ज़मीन जो है ना वकबोर्ड के हवाले ये करे, और अल्लाह का करम ये है कि लोगों को कंफ्यूजिंग थी कि मस्जिद का कब होता क्या है बोल के, मगर पेपर वर्क पहले होना है, उसके बाद अभी टेंडर बुलाएंगे, आर्किटेक्ट फाइनल होगा, प्लान भी बन गए पूरे, ये देखिए आप लोग मस्जिद का मॉडल भी बन गया, हर चीज़ हो गई, कोई चीज़ की ये नहीं है, खाली टेंडर बुलाना है। आफ्टर मुहर्रम इंशाल्लाह ताला टेंडर बुलाएंगे और फाउंडेशन जो है उलमाए मशाकिन पॉलिटिकल सबको बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि मस्जिद सबकी है, सब लोग इंशाल्लाह ताला इसको पॉलिटिकल बेस मत बनाइए मस्जिदों को, क्योंकि सीएम साहब जो है जो बोलते वो करके दिखाते भी, थोड़ा लेट हुआ मगर एक अच्छी मस्जिद बन रही, 2,90,00,000 रुपए लगाकर गवर्नमेंट से, केसीआर साहब की तरफ से, गवर्नमेंट से, टीआरएस गवर्नमेंट से 2,90,00,000 रुपए लगाकर ये मस्जिदें बन रहे, और एक छोटी मस्जिद एक बड़ी मस्जिद, और अल्लाह का करम है तो इसमें जो है असद साहब वो लोगों की भी नुमाइंदगी थी, डेलीगेशन एक नुमाइंदगी सीएम साहब से करे थे, उन सब की सपोर्ट से जो है हमारे को किसी को टारगेट बनाना नहीं है, हमको सबको लेके चलना है, और टीआरएस एमआईएमबी अलायंस है, सब मिलके काम कर रहे सो है, और इंशाल्लाह ताला हमारे सीएम साहब जो है ये काम जो बोले 2,90,00,000 नहीं जितने लगते लगने दो बोल के सीएम साहब को, जो वादा करते पूरा करते, और इंशाल्लाह ताला सेकुलर सीएम है, इंडिया में नंबर वन सीएम है ये, जो सीएम साहब जितने स्कीम्स जो अनाउंस करे, देख रहे होंगे आप लोग इमाम मौजनों को भी, स्कूलों को भी, टेम्परेरी स्कूलों का है, हर चीज़ जो जो सीएम साहब वादा करे पूरे काम हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा आगे पीछे हो रहा हो जाएगा, और इंशाल्लाह मस्जिद भी जल्द से जल्द जैसा सेग्रेटेड का काम होएगा वैसा मस्जिद का भी काम रिनोवेशन रिकनेक्शन जो है ना इंशाल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द करके मस्जिद को अच्छे पैमाने पे सेंट्रली ऐसी मस्जिद रहेंगी। दोनों मस्जिदें भी जो है वो पुरानी मस्जिद तो एकदम खंडेर थी, वो भी जो है ना इंशाल्लाह अच्छी बन रही है, देखिए आप यहाँ पर है वो, और अंदर लान वान अच्छे तरीके से, वजू खाने टॉयलेट्स वगैरह जो है एकदम 5-star टाइप में अच्छे नीटनेस जो है ना काम हो रहा होएगा इंशाल्लाह ताला, और जिस दिन भी इसका फाउंडेशन वगैरह रहेगा आफ्टर मुहर्रम बुलाएंगे, बुला के जो है सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है ना कैसा कैसा करना है, सेग्रेटेड से भी कोई पार्टी भी रहो इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, क्योंकि ऑलरेडी परमिशन और सेंक्शन हो गए, बजट भी ये होगा, अब इसको अल्लाह चाहे तो जल्द से जल्द काम शुरू करा देंगे। एक खाना मस्जिद का पेंडिंग है वो भी इंशाल्लाह ताला जो है उसका भी लिंगे, मगर ये पहले सेग्रेटेड का मस्जिद होगा, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अपन। सेग्रेटेड का काम बड़ी तेजी से चल रहा, तो फिर इसके लिए अलग टेंडर क्यों बुलाया जा रहा था? ऐसा है, अब आपके घर में जो है एक घर बना रहे आप, तो फ्लोरिंग का टेंडर अलग रहता, बाजू की बिल्डिंग का अलग रहता, 3 टावर बनते, एक टावर का अलग देते परमिशन, एक टावर का दूसरे को देते, तो इसका आर्किटेक्ट अलग है, वो आर्किटेक्ट ये काम, वो कॉन्ट्रैक्टर ये काम नहीं कर सकता ना, मस्जिदों के कॉन्ट्रैक्टर अलग रहते, तो इसका टेंडर अलग बुला के अलग देंगे, होगा पूरे परमिशन आ गए, आरएमबी से भी आ गया, मस्जिद वकबोर्ड भी दे दिया, पूरा बजट सेंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन में तैयार है, कितना टाइम लगेगा? वो नेक्स्ट उसमें बताएंगे हम।
अल्लाह चाहे तो सेग्रेडेट की ओपनिंग से पहले मस्जिदां भी रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। क्या प्रोटेक्शन वक्फ लैंड से मसाजिद के या कमेटीज के जो तौलियत कमेटीज के जो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं हम जल्दी आप कमेटी में बोर्ड की मीटिंग में फाइल करेंगे बोल के जो है मामले लेट हो जा रहे कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा तो इसके तरफ से जो है काफी मसाइल खड़े हो रहे प्रोटेक्शन के लिए कमेटीज के लिए तो इसके ऊपर आप क्या मसाइल खड़े हो रहे बोले तो जो चीज समझ में नहीं आती अगर बोर्ड में आई तो उसको रुका देते हैं हम लोग फिर उसको डिटेल में जाके चेक करने के लिए मीटिंग बुलाते हैं तो वो डिटेल अगर पूरी रिपोर्ट नहीं आई बाहर से इंस्पेक्टर हो या जो भी ऑफिसर रिपोर्ट नहीं दिया तो फिर मीटिंग बुला के फ़ायदा नहीं है ना तो इसलिए पूरा डिटेल रिपोर्ट लेके फिर जब तौलियत में रखते तौलियत से फिर बोर्ड में आती हो तो हमको रिपोर्ट आई नहीं हो वो रिपोर्ट जैसा आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला बुला लेंगे। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर हजार से ज्यादा वैरायटीज के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और ₹100 डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है जिसके तहत प्रोडक्ट पसंद न आने पर आप इजी एक्सप्रेस 99 के प्रोडक्ट्स वापस भी कर सकते हैं। जो आइटम्स दीगर वेबसाइट्स पर महंगे बिकते हैं वो इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर की वेबसाइट पर सस्ते मिलते हैं। यकीन ना आए तो आप wholesale99.in के प्रोडक्ट्स के दामों को दूसरे वेबसाइट के प्रोडक्ट्स के दामों से टैली कर भी खरीद सकते हैं। ये तो थी बात ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की, अब बात करते हैं कारोबार करने वालों की। कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद 99 स्टोर या wholesale99.in से सामान खरीद कर अमेजोन फ्लिपकार्ट और दीगर शॉपिंग वेबसाइट्स पर बेच सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इस चीज़ के साथ साथ आप इजी एक्सप्रेस की वेबसाइट की भी फ्रेंचाइजी खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट्स पर 25% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट की फ्रेंचाइजी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राबता पैदा करें या विजिट करें हमारे इजी एक्सप्रेस 99 के स्टोर्स MPM मॉल एबिट्स पोडियम मॉल टोली चौकी SMP मॉल गुलजार हाउस ओल्ड कृष्णा टाकिस पर।